पूर्वोत्तर रेलवे के बुढ़वल सुड़िया मऊ स्टेशन के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद अब गोंडा से बुढ़वल के बीच 61 किलोमीटर की तीसरी लाइन बिछने जा रही है। इस लाइन के बिछने से गोंडा से सीतापुर और लखनऊ आने जाने वाली ट्रेनों को अतिरिक्त लाइन मिल जाएगी। इससे दिल्ली व पश्चिमी यूपी से गोरखपुर की तरफ आने जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि गोरखपुर से गोंडा बुढ़वल सीतापुर के रास्ते सत्याग्रह, कटिहार, अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, अमृतसर समेत करीब 40 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन होता है। उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने वाली यह लाइन बुढ़वल से सीतापुर के बीच पहले सिंगल थी, जिस वजह से ट्रेनों को लाइन क्लियर नहीं मिल पाता था। पिछले महीने लखनऊ मंडल के बुढ़वल सीतापुर खंड स्थित बुढ़वल सुड़िया मऊ स्टेशन के बीच दोहरीकरण कराया गया, इससे सीतापुर के बुढ़वल के बीच गुजरने वाली ट्रेनों को सुविधा मिली है। इसके बाद अब बुढ़वल से गोंडा के बीच तीसरी लाइन बिछाई जानी है। गोंडा जंक्शन से हर दिन 136 जोड़ी ट्रेनों का आवागमन होता है। इसके चलते लखनऊ और सीतापुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों की रफ्तार बुढ़वल से गोंडा के बीच सुस्त हो जाती है। हालांकि गोंडा से बुढ़वल के बीच डबल ट्रैक है, लेकिन ट्रेनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आए दिन किसी न किसी स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों को पास कराए जाने के लिए दूसरी ट्रेनें खड़ी कर दी जाती हैं। इस संबंध में NER के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि गोंडा बुढ़वल के मध्य तीसरी लाइन के होने से ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा। इस खंड पर 5 अलग अलग दिशाओं से ट्रैफिक आती है। गोरखपुर से मुख्य मार्ग एवं लूप लाइन से आने वाली ट्रेनें, बहराइच से आने वाली ट्रेनें, इसी प्रकार लखनऊ से एवं सीतापुर से आने वाली ट्रेनें इस रूट से आती हैं। गोरखपुर के आसपास तीसरी लाइन पहले से ही प्रगति पर है। अब इस तीसरी लाइन के बन जाने से मांग के अनुरूप अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे पर तीसरी लाइन का कार्य भी शुरू हो गया है और पहला रेलखंड जो गोरखपुर कैंट से पश्चिमी के बीच में था वो ओपन हो चुका है। गोरखपुर कैंट से लेकर डोमिनगढ़ के बीच में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त डोमिनगढ़ से खलीलाबाद के बीच में तीसरी लाइन के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसी प्रकार से कुसमी से पतालपुर के लिए भी तीसरी लाइन का सर्वे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य लाइन पे एक और तीसरी लाइन स्वीकृत है जिसपे कार्य प्रगति पर है, वो है गोंडा से बुढ़वल के बीच में लगभग 62 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन है और 714 करोड़ की लागत से यह कार्य किया जा रहा है, स्वीकृत है। इसमें एक इम्पोर्टेंट ब्रिज है जो घाघरा रिवर पे बनना है, उस पर भी कार्य प्रगति पर है। इस तीसरी लाइन के बन जाने से जो ऑपरेशन है वो काफी सुगम होगा, यानी कि जो ट्रैफिक है, ट्रेनों का आवागमन है वो सुगम होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। क्योंकि जो गोंडा से बुढ़वल का क्षेत्र है यहाँ 5 डायरेक्शन से ट्रैफिक आती है इस रूट पे। एक तो गोरखपुर से जो ट्रैफिक गोंडा होते हुए जाती है बुढ़वल होते हुए लखनऊ को, दूसरा जो गोरखपुर से कुछ ट्रेनें लूप होकर जाती है वो गोंडा में फिर कन्वर्स होती है और वो भी गोंडा बुढ़वल सेक्शन पे जाती है, तीसरा बहराइच से जो गोंडा ट्रेनें आती है वो भी इसी लाइन से होकर जाती है। इसी प्रकार से फिर गोंडा से बुढ़वल लाइन उधर लखनऊ को कनेक्ट करती है और बुढ़वल से सीतापुर होते हुए रोजा होते हुए मेन लाइन दिल्ली के लिए निकल जाती है। एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो इस लाइन से गुजरता है, तो वहां तीसरी लाइन का कार्य होने से जो आवागमन है ट्रेनों का उसमें काफी राहत मिलेगी और कैपेसिटी बढ़ने से ज्यादा ट्रेनें चला मिलेगी।